कर लेते हैं Realme 5 Pro के बारे में, बात कर लेते हैं क्या कुछ मिलेगा आपको Realme 5 Pro में और उसके साथ इसकी ऑफिशियल प्राइसिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पॉलीकार्बोनेट का बैग जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आने वाला है और उसके साथ यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा भी मिल जाता है। और अगर बात करें इसकी फ्रंट साइड के बारे में तो यहाँ पे आपको 6.39 इंच का फुल एचडी प्लस वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है जो कि एक एमुलेट पैनल है और उसके साथ ही इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। और अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर जो कि हमें इससे पहले वीवो Z1 Pro में मिल चुका है और उसके साथ ही इस फोन में आपको मिलेगा एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट जो कि कलर ओएस 6.0 के साथ आएगा। लेकिन दोस्तों कुछ रूमर्स ऐसा है कि इस फोन में आपको रियलमी का ओएस मिल सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कन्फर्म कर देता हूं कि आपको रियलमी 5 और 5 प्रो में कलर ओएस 6.0 ही मिलने वाला है। और अगर बात करें इसकी रैम वेरिएंट के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 रैम वेरिएंट, 464 GB, 6 128 GB और 8 128 GB। और अब बात कर लेते हैं इस फोन की सबसे बड़ी USP यानी कि कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्वाड रियर कैमरा जिसका मेन सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का और यहाँ पे आपको सोनी IMX586 का सेंसर मिलने वाला है और उसके साथ ही एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक माइक्रो लेंस और एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर मिलने वाला है। और अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको सेल्फी के लिए 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। और अगर बात करें इसकी बैटरी के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4065 mAh का बैटरी जो कि वोक फ्लैश चार्ज 3.0 के साथ आने वाला है और उसके साथ ही यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है और यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक और टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है। और फाइनली अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे इसका बेस मॉडल यानी कि 464 GB वाला वेरिएंट मिलने वाला है 14,999 रुपए में, यानी कि दोस्तों सिर्फ 15,000 के प्राइसिंग में आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर और उसके साथ ही यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा मिल जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो इस प्राइस सेगमेंट में अभी तक किसी भी कंपनी ने हमें ये सारा स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, तो दोस्तों डेफिनेटली ये फोन 15,000 के नीचे अभी तक का बेस्ट फोन होने वाला है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.